पहले T20 मैच में इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से धूल चटाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित किए हैं भारत के 11 भूखे शेर, जहां पर उन्होंने इस मैच के लिए टीम इंडिया में कर दिए हैं 5-5 बड़े बदलाव। इस मैच के लिए टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव तथा हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की हो चुकी है वापसी, इसलिए अब टीम इंडिया की पहले T20 मैच में जीत हुई है सुनिश्चित। जी हां दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएगी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच कब से खेले जाने वाला है और भारत के किन 11 खिलाड़ियों के लिए इस मुकाबले में खेलने का मौका मिला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में 4-1 से बुरी तरह से हराया है, उसी प्रकार से अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जहां पर इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 महामुकाबला 16 मार्च को शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इसके लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों के साथ साथ कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी कराई, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच यह T20 सीरीज काफी कड़ी और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो भाई इंग्लैंड की टीम को जिस तरह से टेस्ट सीरीज में हार झेलनी पड़ी है, उससे टीम का अब कप्तान भी बदल दिया है, जहां पर इस T20 सीरीज में टीम की कप्तानी जोश बटलर करते हुए नजर आने वाले हैं। इसलिए जोश बटलर ने T20 टीम का कप्तान बनते ही ऐलान कर दिया है कि अब हम हर हाल में भारतीय टीम को इस T20 सीरीज में 3-0 से जरूरी हराएंगे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने हाल ही में प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि टीम इंडिया की इस T20 सीरीज में जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तो भाई भारत की यह 11 दिग्गज खिलाड़ी पहले T20 मैच में कीर्ति हुई दिखाई देने वाले हैं, जहां पर टीम के दो ओपनर खिलाड़ियों की बात की जाए तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम की ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों खिलाड़ियों से टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, उससे उन्होंने अधिक प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के लिए 4-1 से सीरीज जिताने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो दुबई तीसरे खिलाड़ी के रूप में टीम के पास विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली 2-3 महीने बाद T20 क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं, इसलिए देखना होगा कि वह वापसी करते ही किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं चौथे खिलाड़ी के रूप में टीम के पास T20 क्रिकेट के काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाने वाले सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चोट के चलते काफी समय से टीम इंडिया से बाहर भी चल रहे थे। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी के रूप में टीम में दो प्रबल दावेदार केएल राहुल और जीतेश शर्मा माने जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से जीतेश शर्मा ने हाल ही में प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए लग रहा है कि वह 5वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले, हालांकि केएल राहुल भी प्रबल दावेदार खिलाड़ी हैं। तो वहीं 6वें खिलाड़ी के रूप में टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसी ऑलराउंडर खिलाड़ी इस सीरीज में टीम इंडिया में वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी चोटिल हुए थे। तो भाई 7वें खिलाड़ी के रूप में टीम के पास फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह एक बार फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह ने हाल ही में भारतीय टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो वहीं 7वें-8वें खिलाड़ी के रूप में टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल एक बार फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि अक्षर पटेल T20 क्रिकेट के काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज तथा गेंदबाज माने जाते हैं। तो वहीं 9 और 10 नंबर के लिए टीम के पास दो प्रमुख गेंदबाज रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह इस महामुकाबले में खेलने वाले हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने T20 क्रिकेट में काफी खतरनाक गेंदबाजी की है और टीम इंडिया के लिए जीत दिलाई है। तो वहीं आखिरी स्थान के लिए टीम के पास तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस महामुकाबले में फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह भारत के T20 क्रिकेट के काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। तो वहीं भारत की यही 11 दिग्गज खिलाड़ी पहला T20 महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं।